डाले। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। जाहिर जो है सोचते हैं उसको छोड़ दे। जाहिर इधर आओ, पकड़ के रखो सिस्टाने को। फिलहाल तू जानता है मैं तेरे को छोड़ने वाला था और तेरे से पैसे भी नहीं लेता, मगर फिर मेरे को एक कॉल आया। जानता है वो कॉल किसका था? किसकी? मेरे बेटे रिजवान का। हाँ वही रिजवान जिसे मार के तू यहाँ आया। इस्ता साहब मैं नहीं जानता था कि रिजवान आपका बेटा है। अगर मुझे पता होता मैं इसको बिल्कुल नहीं मारता। मैं मेरी बात सुनिए। अब मुझे बता कि क्या हुआ था तुम चारों के बीच शुरू से। 5 साल पहले मिश्राज ने जुल्फिकार के कान में कुछ कहा था, फिर जुल्फिकार मेरे पास आया और उसने मेरी पैंट उतार दी पूरे स्कूल के सामने। तब मैंने सोचा कि मिश्राज और जुल्फिकार से बदला लूँगा, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। रिजवान को मैंने जुल्फिकार से सिर्फ अलहदा करना चाहता। मैं मिश्राज को भी अलहदा कर देता कि तभी उन्हें पता चल गया मैंने उनके कमरे में कैमरा लगाया है। जैसे ये बात पता चली उन्होंने मुझे पकड़ लिया। कमरे में कैमरा लगाने की वजह ये थी कि मैं उन्हें उनकी प्राइवेट वीडियोस लेके उन्हें ब्लैकमेल कर सकूं और उनसे थोड़े पैसे ले सकूं और पैसे लेके आपका उधार चुका सकूं। मगर मेरा कैमरे वाला काम हो ना सका पूरा। इस वजह से मैंने प्लान बी था मेरा पहले से ही बना हुआ, जो था मैंने वेबसाइट बनाई थी charishow.com के नाम से। उसमें जितना भी सामान था वो सारा फेक था। जो भी सामान उसने ऑर्डर किया मैंने अपनी एरिया में सारी वेबसाइट ब्लॉक कर रखी थी इस वेबसाइट के। उसने सारा सामान इससे मंगवा लिया और इससे मैं 25,000 मैंने उससे ले लिए थे। 25,000 मैं लेने ही वाला था, लेने जा ही रहा था। अगर आपके आदमी एक दिन लेट आ जाते तो आपको मैं 3.5 लाख के बजाय आपको 4.25 लाख दे देता। मगर वजह ये बता मेरे बेटे रिजवान ने क्या बिगाड़ा था तेरा? नहीं आपके बेटे ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, मगर जब मुझे भागना था तो मुझे उसे जख्मी करके आना पड़ा। चलो ठीक है सलमान जी। किसका भाई? पिछली बार मैंने तुझे इस डंडे से मारा, तेरा पेशाब निकल गया था। इस बार इस डंडे से मारूंगा, तेरा सब कुछ निकल जाएगा। रख जा सलमान जी। किसका भाई? कल तुम मेरे साथ चलोगे रिजवान के पास, उससे को पैसे भी दोगे और इससे माफ़ी भी मांगोगे। जी पिस्ता भाई, जो आपका हुक्म है। समझ में आई बात? मैं घर जा सकता हूँ? नहीं तुम यहीं बैठे रहो। चलते हैं। चलो जवाब जाहिर तुम चलो। जवाब तुम यहीं रुकना, ये से नज़र रखनी है ठीक है। तुम जाओ यहीं रुको। जी बिस्ता साहब जो आपका हुक्म। जवाद भाई आप तो मेरी बात सुन लो। करो और बैठे रहो यहाँ पे और मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं फुल्हाड़ा उठाता हूँ और उसकी बोटी बोटी कर देता हूँ। हाँ उसे मारता नहीं, पहले उसकी बोटी बोटी करता हूँ और बाद में उसे तड़प तड़प के खुद ही मर जाना पड़ता है। समझा? चुप करके बैठा है अब। ये ले खाना खा, नहीं तो भूखा मरना पड़ेगा। भागने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा।